दुनिया में 400 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। भारत इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 दिसंबर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे भारत में। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये इंटरनेट के ज़रिए ही आप तक पहुँची होगी। लेकिन ये इंटरनेट काम कैसे करता है? जब आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो वो क्या चीज़ है जिससे आप जुड़ जाते हैं? कैसे एक क्लिक करते ही कोई भी मैसेज, गाना या वीडियो आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाता है? आपके क्लिक करने और स्क्रीन बदलने के नज़ारे के बीच क्या क्या होता है, क्या आप ये जानते हैं? नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। इसे हमारे नए साथी प्रणव ने लिखा है। इंटरनेट क्या काम करता है, कैसे काम करता है और सबसे बड़ा सवाल, इंटरनेट का मालिक कौन है, ये सब हम आपको समझाएंगे। तो आइए एक एक करके सारे धागे उधेड़ते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, इंटरनेट का काम क्या है? इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। बहुत सारे डिवाइसेस का, मोबाइल्स का, कंप्यूटर्स का, राउटर्स का, सर्वर्स का, ये सारे डिवाइसेस हैं। इन सारे डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है। इस नेटवर्क का काम है कनेक्ट करना, यानी जोड़ना। क्या जोड़ना? इन्हीं बहुत सारे कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ना। क्यों जोड़ना है इन्हें? ताकि इनके बीच डेटा का लेन देन मुमकिन हो पाए। सारा खेल देखिए डेटा का ही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का डेटा ही है, एक ऑडियो विजुअल डेटा। ये सामने जो कैमरा है ये विजुअल डेटा रिकॉर्ड कर रहा है और ये जो माइक है ये ऑडियो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। इन्हीं दोनों को मिलाकर वीडियो फाइल तैयार होगी। लेकिन ये डेटा तो मेरे डिवाइस में स्टोर हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे है। फिर ये डेटा आपके फ़ोन तक और आपके लैपटॉप तक और आपके कंप्यूटर तक कैसे पहुँचा? यही हमारा दूसरा सवाल है कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। मेरे डिवाइस और आपके डिवाइस के बीच एक बिचौलिया है। उस बिचौलिए का नाम है सर्वर। जो भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, जो भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद होता है, वो किसी न किसी सर्वर पर रखा होता है। सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है। बस उसका काम होता है कि उसको डेटा को सहेज के रखना है और जिसकी जैसी डिमांड हो उसके हिसाब से डेटा सप्लाई करना है, स्टोर करना है। जब ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई तो ये डेटा एक सर्वर में जाकर स्टोर हो गया और जब आपने इसके लिंक पर क्लिक किया तो सर्वर ने इसे आपकी डिवाइस तक ये वीडियो डेटा पहुंचा दिया। आप पूछेंगे ये सर्वर कहाँ पे होता है? ज़्यादातर वेबसाइट्स के सर्वर डेटा सेंटर्स में होते हैं। जैसे खूब सारा सामान इकट्ठा करने के लिए गोदाम या वेयरहाउस होते हैं ना, वैसे ही खूब सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं और एक एक डेटा सेंटर्स में खूब सारे सर्वर्स रखे होते हैं। डेटा सेंटर्स में इन सर्वर्स को सुविधा और सुरक्षा मुहैया की जाती है। मान लीजिए आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, आप Facebook पर भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, Instagram, Twitter कहीं भी देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आप YouTube पर देख रहे हैं, तो इसका जो डेटा है वो Google के डेटा सेंटर में रखा होगा। YouTube Google का है तो Google के डेटा सेंटर में इसका वीडियो का डेटा स्टोर होगा। ऐसे ही Facebook, Microsoft और दूसरी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। लेकिन हर वेबसाइट अपना डेटा सेंटर नहीं खोलती, जैसे कि www.dlallantop.com ने अपना डेटा सेंटर नहीं खोला है। ये छोटी छोटी जो वेबसाइट्स होती हैं दूसरों के मुकाबले में, जो छोटी होती हैं, वो दूसरों के डेटा सेंटर्स के सर्वर इस्तेमाल करती हैं। अमेज़ॉन जैसी कई कंपनीज हैं जो दूसरों को अपने डेटा सेंटर्स के सर्वर किराए पर देती हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का आपने नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स और दूसरी ऐसी वेबसाइट्स हैं वो भी अमेज़ॉन से ही डेटा सर्वर्स किराए पर लेती हैं। अब एक लोचा है यहाँ पे, जो मैंने आपको ज़्यादातर कंपनीज़ के नाम बताए ये अमेरिकन कंपनीज़ हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon, ये सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं। तो इनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो भी अमेरिका में ही हैं। मतलब ये डेटा आपके घर में हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका के किसी डेटा सेंटर से आ रहा है, वहाँ पे कायदे से जमा करके रखा हुआ है और हर रोज़ जो नया डेटा इन वेबसाइट्स पे अपलोड होता है वो उन्हीं डेटा सेंटर्स में जाता है। अब इस डेटा को दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे यूज़र्स तक, यानी आप तक पहुँचाना है, तो ये कैसे होता है? इसके कई तरीके हो सकते थे। एक आसान तरीका ये हो सकता था कि सैटेलाइट के ज़रिए वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर लिया जाता यूएसए से, लेकिन ये निहायती धीमी प्रोसेस है। सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर होती है, मतलब तो डेटा पहले तो सैटेलाइट पे पहुँचाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस धरती पे लाना होगा, तो ये बहुत एक लंबी दूरी हो जाती है फ्लैट धरती के मुकाबले। इन चक्करों में खूब सारा समय लग जाता है और वो स्पीड नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए। तो इसका एक तोड़ निकाला गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल। पूरी दुनिया में इन केबल्स का जाल बिछाया गया है। फाइबर का एक स्ट्रैंड जो होता है, एक बहुत ही पतला तार होता है जो फाइबर का, वो हमारे बाल जितना पतला होता है और एक फाइबर केबल में ऐसे कई सारे स्ट्रैंड्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से डेटा लाइट सिग्नल के जरिए भेजा जाता है। आमतौर पर जो वायर हम देखते हैं वो कॉपर वायर होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से भेजा जाता है। लेकिन जो रोशनी होती है
उसके जरिए भी डेटा भेजा जा सकता है, और फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ये डेटा लाइट सिग्नल के फॉर्म में ही भेजा जा सकता है। लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, हम सभी जानते हैं, लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फाइबर में डेटा लगभग लाइट की स्पीड से ही भेजा जाता है, बिल्कुल लाइट की स्पीड से नहीं भेजा जाता, क्योंकि ऐसे जिगजैग करके जाता है, वो सीधे नहीं जाता है, तो लगभग लाइट की स्पीड होती है। लेकिन इसलिए क्लिक करते ही डेटा आपकी स्क्रीन पर तुरंत हाजिर हो जाता है, भले ही आपको दिखाई ना दे, पर हर उस जगह तक इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की पहुंच है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या यूं कह सकते हैं कि इंटरनेट सिर्फ वहीं तक पहुंच पाता है जहां ये केबल्स उसे पहुंचा पाती हैं। सारे महाद्वीपों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समंदर के नीचे इन्हीं फाइबर केबल्स का जाल बिछा हुआ है। कई बड़ी कंपनियां समंदर की गहराई में ये फाइबर केबल्स बिछाने का ही काम करती हैं। जब समंदर के बाद ज़मीन शुरू होती है तो ये केबल अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे हो जाती हैं। ज़मीन के नीचे से ही ये केबल्स आपके शहर, मोहल्ले और घर तक पहुँचती हैं। अलग अलग डिपेंड करता है कि फाइबर टू दी नेबरहुड होता है, फाइबर टू दी होम होता है, यानी आपके आसपास तक फाइबर आ रहा है या सीधे आपके घर तक ही आ जा रहा है, तो इस पर डिपेंड करता है, लेकिन आता वो फाइबर से ही है। यही वजह है कि हमें ये दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे या समुद्र के नीचे ही होती हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे फ़ोन में तो ऐसा कोई फाइबर केबल नहीं जुड़ा है, फिर भी इसमें जबर इंटरनेट चलता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केबल, फाइबर केबल, आपके सबसे नज़दीक मौजूद सेलफोन टावर से जुड़ी हुई है, जिससे आपके फ़ोन में सिग्नल आता है। फाइबर से होते हुए ये डेटा सेलफोन टावर तक आता है, और वो टावर आपके फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की शक्ल में वो डेटा आपके फ़ोन तक पहुँचा देता है, और आप अपने फ़ोन पर इंटरनेट का मज़ा ले पाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन केबल्स के जरिए डेटा का लेन देन कैसे होता है। मतलब इतने सारे सर्वर हैं, इतने सारे फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, इतने सारे डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो सर्वर को कैसे पता चलता है कि कहाँ डेटा भेजना है, और आपके फ़ोन को कैसे पता चलता है कि किस वाले सर्वर से डेटा मंगाना है, कहाँ पर रखा हुआ है? तो यहाँ काम आता है आईपी एड्रेस। इसे पोस्टल सर्विस से समझा जा सकता है। डेटा भी आपके फ़ोन तक वैसे ही पहुँचता है या आपके डिवाइस तक वैसे ही पहुँचता है जैसे आपके घर में पोस्ट से खत आता है। जिस तरह आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी मदद से डाकिया आप तक खत पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। हर डिवाइस मतलब हर डिवाइस, सर्वर का भी होगा, राउटर का भी होगा, लैपटॉप का, फ़ोन का, जितने डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है, और उसे कहते हैं आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चूँकि कंप्यूटर्स गणित की भाषा समझते हैं, इसलिए ये आईपी एड्रेस भी एक नंबर होता है, 172.122.3.12 इस टाइप का कुछ एड्रेस होता है जो याद रखना मुश्किल होता है। तो जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो फाइबर पाइपलाइन से होती हुई उस वेबसाइट के सर्वर तक एक रिक्वेस्ट जाती है। हर वेबसाइट का एक सर्वर होता है जहां उसका डेटा रखा हुआ होता है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं उसके सर्वर तक एक रिक्वेस्ट जाती है। इस रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि सर्वर जी, हमें फलाने आईपी एड्रेस पे यानी आपके आईपी एड्रेस पे ढिकाना डेटा पहुंचाना है, उस वेबसाइट का डेटा पहुंचाना है। फिर सर्वर से हज़ारों किलोमीटर दूर से वो डेटा आपके आईपी एड्रेस के लिए रवाना होता है। आप पूछेंगे उस वेबसाइट के सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट कैसे पहुँचती है? वो तो आप ही पहुँचाते हैं। किसी वेब ब्राउज़र में वेबसाइट एंटर करके या किसी लिंक पर क्लिक करके जब आप ऐसा करते हैं तो उस पर रिक्वेस्ट पहुंचती है। हर वेबसाइट के सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया था, तो जिसकी मदद से उस सर्वर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रख पाना यूजर के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए आईपी एड्रेस के लिए एक डोमेन नेम दे दिया जाता है। डोमेन नेम जैसे कि वेबसाइट का जो नाम होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं, www.youtube.com, www.facebook.com या www.dlallantop.com, ये डोमेन नेम्स हैं, ये याद रखने में आसान होते हैं। ये डोमेन नेम एंटर करते ही वेब ब्राउज़र या मोबाइल एप्लीकेशन उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस खोजने में लग जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे फ़ोन नंबर याद रखना मुश्किल होता है ना, तो लोग फ़ोन बुक मेंटेन करते हैं, तो अपनी फ़ोन बुक में किसी नाम के सामने उसका नंबर खोजा जाता है। तो इंटरनेट डोमेन नेम और आईपी एड्रेस की भी एक फ़ोन बुक होती है, और उसको कहते हैं DNS सर्वर। DNS माने डोमेन नेम सिस्टम। DNS को संचालित करने का काम ICANN नाम की संस्था करती है, नहीं तो लोगों के बीच लड़ाई मच जाएगी कि मुझे ये आईपी एड्रेस चाहिए या मुझे ये डोमेन नेम रखना है। तो एक संस्था है ICANN, ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। DNS सर्वर की मदद से हमारा वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढ निकालता है और आपकी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुँचा देता है। उस रिक्वेस्ट में आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस भी लिखा होता है, मतलब तो बताना भी होगा ना सर्वर को कि इस आईपी एड्रेस पे पहुंचाना है, तो उस रिक्वेस्ट में ये सारी डिटेल्स होती हैं। इस तरीके से आप उस सर्वर से डेटा का लेन देन कर पाते हैं। जब कोई डेटा किसी सर्वर से दूसरे डिवाइस के लिए जाने के लिए निकलता है तो पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, मतलब इकट्ठा पूरा डेटा एक साथ नहीं आता है, पूरी ट्रेन एक साथ नहीं आती, उस ट्रेन के अलग अलग डिब्बे आते हैं, इन्हें डेटा पैकेट्स कहते हैं। उसी पोस्टल सर्विस वाले उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए अपनी फाइबर पाइपलाइन से कुछ चिट्ठी भेजनी है, एक बार में उस रास्ते से पूरी चिट्ठी भेजना थोड़ा स्लो मेथड है,
तो क्या होता है कि उस चिट्ठी के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उन्हें अलग अलग रास्तों से, अलग अलग पाइपलाइंस से, जो सबसे फास्ट पॉसिबल वे होता है उससे आपको भेज दिया जाता है। इन सभी पैकेट्स पे आईपी एड्रेस लिखे होते हैं जिनकी मदद से वो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, यानी आप तक पहुंचते हैं। फिर वहां पहुंचकर ये सारे पैकेट्स इकट्ठे होते हैं और पूरी डेटा फाइल तैयार होती है। अगर आपने कभी स्लो इंटरनेट कनेक्शन चलाया है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी इमेज को खोलते हैं तो वो पूरी कई बार एक बार में नहीं खुलती है, उसके अलग अलग टुकड़े धीरे धीरे स्क्रीन पर बनते हैं और फिर बहुत देर बाद वो इमेज पूरी बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साथ पूरे डेटा पैकेट्स नहीं आ पाते हैं स्लो इंटरनेट कनेक्शन में, ये डेटा पैकेट्स अलग अलग रास्तों से चलते हुए किसी भी क्रम में आ जाते हैं, फिर उन्हें आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन इन्हें कैसे जोड़ा जाता है और ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये सारे डेटा पैकेट्स अलग अलग रास्तों से होते हुए एक ही पते पर पहुँचें, इसका जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा के लेन देन की पूरी प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के अंजाम देने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। इन प्रोटोकॉल्स से चलने पर हर पैकेट सही ठिकाने पर सही सूरत में पहुंचता है। डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कई सारे छोटे छोटे पड़ाव होते हैं, मतलब ऐसे एक बार में पूरा रास्ता तय नहीं करता है, बहुत सारे चौराहे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं राउटर्स। राउटर्स का काम होता है, मशीन्स होती हैं राउटर्स, तो राउटर्स का काम होता है आईपी एड्रेस के मुताबिक डेटा को सही दिशा में आगे बढ़ाना, मतलब डेटा को अगले ऐसे राउटर तक पहुंचा देना जो मंजिल के ज़्यादा करीब हो। इसे उस सड़क और गाड़ी वाले एग्जाम्पल से फिर से अच्छे से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हम गाड़ी लेकर किसी अनजान शहर की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन हर चौराहे पर एक राउटर नाम का आदमी खड़ा कर दिया है। हमारे मोबाइल में गूगल मैप नहीं है, हमें पूछ पूछ के ही जाना है। तो ऐसे चौराहे हैं और उस चौराहों पर, हर चौराहों पर राउटर नाम का एक आदमी खड़ा है जो हमें वहाँ से आगे तक का बता देता है कि आप उस चौराहे पर चले जाइए, तो वो अगला राउटर आपको बता देगा कि कहाँ जाना है। तो इस तरह से इन चौराहों से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। हर डेटा ट्रांसमिशन में ये दिक्कत आती है कि लंबा सफ़र तय करने में डेटा का सिग्नल कमज़ोर होने लगता है। इसे अटीन्यूएशन कहते हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी में फ्यूल भराते रहना ज़रूरी है ना, वो फ्यूल ख़त्म होते रहता है, वैसे डेटा का भी सिग्नल कमज़ोर होता रहता है। तो इस डेटा के सिग्नल को बूस्ट करना ज़रूरी है, इसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। हज़ारों किलोमीटर के सफ़र में कई डिवाइस ऐसे लगाए जाते हैं जो सिग्नल को एम्प्लीफाई करते रहते हैं। कई बार बहुत सारे डेटा पैकेट्स सोर्स कंप्यूटर से यानी सर्वर से निकले और आपके मोबाइल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं। इन्हें लॉस्ट डेटा पैकेट्स कहते हैं। ऐसी सूरत में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के तहत डेस्टिनेशन कंप्यूटर यानी जो आपका फ़ोन है, आपका डिवाइस है, वो सोर्स कंप्यूटर से इन डेटा पैकेट्स को दोबारा भेजने की रिक्वेस्ट करता है और फिर इन डेटा पैकेट्स को वापस भेजा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हर डेटा पैकेट में उसके क्रम से जुड़ी जानकारी भी होती है, मतलब कौन सा डेटा पैकेट आगे लगना है, कौन सा पीछे लगेगा। अब डेटा की तो पूरी फाइल होती है, जैसे मान लीजिए कोई इमेज है तो उसमें सर से पैर तक आप होंगे, लेकिन उसके डेटा पैकेट्स होंगे तो उसके अलग अलग हिस्से बट जाएंगे, तो अब उन्हें सही क्रम में कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए भी इंटरनेट प्रोटोकॉल का सहारा लिया जाता है और उन्हें रिट्रीव किया जाता है। नहीं तो क्या होगा कि किसी आपने पूरी इमेज भेजी और सर नीचे चला गया, पैर ऊपर आ गया, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की मदद से ये डेटा आप तक सही सलामत पहुंचते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। अब हम बड़े सवाल पर आ जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है। आप तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है आपकी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपने जिस कंपनी की सिम ली होगी या जिस कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा तो वो आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और आप पैसा भी इसी को देते हैं, ISP को, लेकिन ये पूरा इंटरनेट नहीं चलाते हैं। अगर बड़े स्केल पर देखें तो ISPs को तीन स्तर पर बांटा जा सकता है। पहली तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां जिनने समंदर के नीचे और ज़मीन के नीचे, समंदर के नीचे केबल्स बिछाई हैं, पहले लेवल पर वो कंपनियां होंगी, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जिनने बिछाई हैं, इन्हें हम Tier 1 में रखते हैं। इसके बाद आती हैं वो ISPs जिनकी नेशनल लेवल पर प्रेजेंस है, मतलब जिनकी केबल्स देश भर में बिछे हुए हैं, ये Tier 2 की कंपनियां हो गई। अब अगर Tier 2 की किसी कंपनी को इंटरनेट सेवा चाहिए तो उसे Tier 1 की कंपनी को केबल इस्तेमाल करना होगा या उसे किराए पर लेना होगा, जिनकी समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं केबल, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, तो इसके लिए उसे Tier 1 की ISP को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह Tier 3 में आने वाली लोकल ISPs जो होती हैं, जिनकी लोकल लेवल पर प्रेजेंस होती है, स्टेट लेवल पर या किसी बड़े शहर में कुछ कुछ लोकल ISPs होते हैं, तो उनको Tier 2 की कंपनियों को पैसा देना होगा जिनकी नेशनल लेवल पर प्रेजेंस है, ताकि वो इंटरनेट अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकें। तो इस तरह से हमारा दिया हुआ पैसा इन कंपनियों के बीच बढ़ जाता है और इनका एक हिस्सा उन कंपनियों को भी मिलता है जिनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, और फिर आप जो ऐड देखते हैं उनका पैसा वेबसाइट्स को मिलता है। मतलब सीधे सीधे बोलें तो इंटरनेट का पूरा पूरा मालिक कोई भी नहीं है,
अलग अलग कंपनियां इंटरनेट के अलग अलग हिस्सों को ओन करती हैं, लेकिन और इसे संचालित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे आईकैन आपको बताई थी। इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा रोल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जिस कंपनी का सबसे विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा कमाई होगी। तो ये है इंटरनेट का खेल, हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसकी लीला इतनी विराट है कि ये वीडियो बड़ा भी हो गया होगा और कई सारी चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ी। आपको कितना समझ में आया, कैसा क्या समझ में आया और बेहतर कैसे समझा सकते हैं हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक फॉरवर्ड शेयर ये सब कर दीजिए और हमें ये भी बताइए कि आप क्या क्या समझना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लिखा था हमारे साथी प्रणव ने, मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं अमितेश।